हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ वेब सीरीज कर्स्ड के ऊपर। तो गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब गाइस, बात करें इस वेब सीरीज की तो ये है एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा वेब सीरीज जिसमें आपको एक्शन ड्रामा और थोड़ा बहुत थ्रिल भी आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस, इस वेब सीरीज में आपको लीड रोल में देखने को मिलने वाली है कैथरीन लैंगफोर्ड, जिन्होंने यहाँ पे निमुए का कैरेक्टर प्ले कर रखा है। और गाइस, इसमें आपको देखने को मिलेंगे डेवन टेरेल, जिन्होंने यहाँ पे आर्थर का कैरेक्टर प्ले कर रखा है। और गाइस, इसमें एक और कैरेक्टर है जो मेरे फेवरेट हैं, वो है यहाँ पे गुस्ताफ स्कार्सगार्ड, जिन्होंने यहाँ पे प्ले कर रखा है मर्लिन का कैरेक्टर। जी हाँ गाइस, मर्लिन का कैरेक्टर। गाइस, अब मैं इस वेब सीरीज की आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, स्पॉइलर का काम नहीं करूंगा, डोंट वरी। तो गाइस, एक गांव होता है जिसमें रहती है न्यूए। अब इस गांव में अटैक कर देते हैं रेड पैलेडियंस। अब वो अटैक क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन गाइस, इस अटैक के दौरान जो न्यूए की मदर है वो मर जाती है, और मरने से पहले उनकी एक आखिरी विश होती है कि उनके पास होती है एक तलवार। वो चाहती हैं उस तलवार को, जादुई तलवार को सही सलामत मर्लिन तक पहुंचा दिया जाए, और इसका जिम्मा यहाँ पे उठाती हैं निमुए। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या निमुए इस तलवार को सही सलामत मर्लिन तक पहुंचा पाएंगी कि नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हो तो आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। और ये वेब सीरीज आती है 10 एपिसोड में, पर एपिसोड 50 से 55 मिनट का है। तो अगर आप देखोगे कम से कम आपको 10 घंटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और गाइस, आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, अभी ये स्ट्रीम हो रही है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आपका हार्ट टाइट है इंग्लिश में तो आप हिंदी में देख सकते हो। अब गाइस, बात करूं मैं यहाँ पे एक्टिंग की, तो यार यहाँ पे सभी की एक्टिंग डिसेंट है, चाहे वो हो कैथरीन लैंगफोर्ड या हो डेवन टेरेल। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थे यहाँ पे गुस्ताफ स्कार्सगार्ड। जी हाँ गाइस, गुस्ताफ स्कार्सगार्ड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। जो यहाँ पे मर्लिन का कैरेक्टर उन्होंने प्ले कर रखा है, वो कैरेक्टर मुझे यहाँ पे बहुत पसंद आया। गाइस, बात करूँ मैं यहाँ पे बीजीएम की, तो यार यहाँ पे बीजीएम डिसेंट है, ना ज़्यादा कुछ खास है ना ज़्यादा बेकार है, डिसेंट बीजीएम इस वेब सीरीज में दिया गया है। और गाइस, बात करूँ मैं स्क्रीन प्ले की, तो यार स्क्रीन प्ले स्टार्टिंग में तो सही था, लेकिन बीच के एपिसोड में थोड़ा स्लो हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान आपका इधर उधर हो जाएगा। लेकिन गाइस, जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पे भी ठीक हो जाता है, ठीक रफ्तार पकड़ लेता है। तो गाइस, ओवरऑल मैं कहूँ तो यार मुझे काफ़ी ठीक ठाक वेब सीरीज लगी, कुछ खास भी नहीं थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई नया कॉन्सेप्ट हो, इससे पहले भी ऐसी कुछ वेब सीरीज देखी हुई है। तो गाइस, मैं इतना ही कहूँगा कि यार मुझे वेब सीरीज ठीक ठाक लगी। अगर मुझे इसे रेट करना पड़े तो मैं इसको दूंगा 5 में से 3 स्टार। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, और यार पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.